हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निवांशी टेरिस गार्डन। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई परमानेंट प्लांट की कटिंग नहीं लगाई है, या फिर आपने लगाई भी है पर आपकी कटिंग नहीं चली है, तो अभी भी मौका है फ्रेंड। वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग अभी आप दिसंबर के महीने में लगा सकते हो। बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर जाएगी और आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी कटिंग नहीं चली है अभी तक, तो अभी लगा लीजिए, आपकी कटिंग 100% ग्रो कर जाएगी और आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे भी बन जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मेरे गार्डन में कितने खूबसूरत हाइब्रिड गुड़हल के फूल खिले हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। और ये टेक्सास का पौधा मैंने अभी धूप में रखा हुआ है, छाव में था तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो आप देख सकते हो फ्रेंड। और ये देखिए, ये दूध मोगरा बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसके प्लांट से दूध निकलता है, तो आप इसको भी आसानी से ग्रो कर सकते हो फ्रेंड। ऊपर की टिप अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो ये आसानी से कटिंग चल जाएगी और आपका पौधा रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर वैरायटी में आते हैं कोलियस। तो कोई कोई बोलते हैं कि उनके कोलियस की कटिंग चलती नहीं या उनके पौधे मर जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने नए पौधे खरीदे थे, उनकी भी कटिंग लगा ली है मैंने सैंड में, तो आप सैंड में भी लगा सकते हो फ्रेंड। और देखिए, ये सभी मेरी कटिंग लगी हुई है, मिट्टी में भी लगा सकते हो, बस आपको पानी का ध्यान रखना है फ्रेंड। जब तक आपकी कटिंग ठीक से दिख रही है, आपको पानी नहीं डालना होता है मिट्टी सूख जाने तक। उसके बाद ये देखिए, अरेलिया का पौधा है। और ये देखिए, इतनी सारी कटिंग तैयार हो गई है, ये भी बहुत आसानी से चल जाती है फ्रेंड। और ये देखिए, ये है कोलियस के इतने सारे। आपको जब भी आप कटिंग करते हो या बूसी बनाना चाहते हो और जो ऊपर की टिप कटिंग करते हो, तो उनको आप दबा दीजिए सैंड में या फिर मिट्टी में, आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। ये मदर प्लांट है अरेलिया का, और ये इतने सारे मेरे अरेलिया के पौधे तैयार हो गए हैं। उसके बाद ये देखिए, स्पाइडर प्लांट, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हो। ये देखिए, मैंने राइसस की राख में लगा चुकी हूँ मैं, ये देखिए, और भी मैं लगा चुकी हूँ पॉलीथीन में वगैरह, तो बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाती है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये घना हो गया है पौधा। तो आप स्पाइडर प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हो। उसके बाद ये देखिए, पर्पल हार्ट, आप पर्पल हार्ट की भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो फ्रेंड, अगर आपको कहीं भी मिल जाती है। और ये बहुत आसानी से भी हमें इधर उधर मिल जाती है, कहीं स्कूल के बाहर वगैरह तो मिल जाती है, किसी के घर के बाहर भी लगी होती है। तो अगर आपको मिलती है छोटी सी टिप भी, आप लगा सकते हो, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। उसके बाद यार आयु का पौधा है, ये भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हो, यह भी हमें फ्री में कहीं भी मिल जाता है। तो अगर इसकी कटिंग भी आप लाते हो तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसके पौधे भी बन जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, आप इसको भी लगा सकते हो, ये भी बहुत, अगर आप ज़मीन में लगाते हो तो बहुत फैलता है ये पौधा, और आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हो तो बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, पीले कलर के फूल आते हैं, सनफ्लावर जैसे पर छोटा साइज होता है, और बहुत ही खूबसूरत होता है ये पौधा, तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। ये देखिए, मैंने वो दूध मोगरा की कटिंग लगाई थी, इतनी सारी बहुत ही आसानी से चल गई है। उसके बाद ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर और खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, एक अलग ही पत्तियाँ होती है उसकी, फूल जैसी, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हो। मैंने कटिंग से भी दो चार पौधे तैयार कर लिए फ्रेंड। उसके बाद ये देखिए, रेड कलर के पत्ते आते हैं इसमें, ये भी कहीं भी हमें मिल जाता है फ्री में, आसानी से हम इसकी कटिंग ला सकते हैं और अभी आप दिसंबर में इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए, सिंगोनियम, आप सिंगोनियम की भी कटिंग ला सकते हो, अगर आपको कहीं मिल जाती है तो इसको आप पानी में या सैंड में या फिर मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो। आप चाहो तो इसे मनी प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हो फ्रेंड। ये देख सकते हो आप कितना मनी प्लांट की तरह बेल हो चुकी है इसकी,
तो आप इसे भी आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसमें भी बहुत कलर आते हैं, पिंक कलर भी आता है और ये देखिए लाल सा, ये भी ज़मीन में बहुत ही फैलता है और हमें किसी के घर के बाहर, गेट के बाहर या फिर स्कूल में भी वगैरह मिल जाते हैं, ये बहुत ही फैलता है। तो आप पॉट में भी लगा सकते हो। उसके बाद देख सकते हो आप गेंदा, गेंदा भी बारमाही होता है, आप बस कटिंग लगाते जाओ और उनको सेव करते जाओ तो आपको गेंदा बारमाही फूल देगा। उसके बाद ये देखिए जो मॉर्निंग ग्लोरी होती है ना, उसमें जो फूल आते हैं पर्पल कलर के, बस उसी तरह इसमें फूल आते हैं। मैंने ये कटिंग से ही तैयार किया था, तो आप इसकी भी कटिंग अभी या दिसंबर में आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद ये देखिए, ये है गुड़हल का पौधा, ये पत्तियों से भी खूबसूरत लग रहा है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हो बहुत आसानी से। ये टेक्सास का पौधा है फ्रेंड, इस तरह से फूल खिलते हैं। मैंने छांव में रखा था तो अभी धूप में निकाला है, तो अभी इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसकी भी कटिंग आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद ये सिल्वर डस्ट का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, आप इसकी भी कटिंग अभी दिसंबर में लगा सकते हो। इतनी सी टिप अगर लोगे आप तो ये भी चल जाएगी, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है ये पौधा भी। उसके बाद ये देखिए पर्पल कलर के फूल है, बहुत ही खूबसूरत, मुझे इसका भी नाम नहीं पता है फ्रेंड, तो आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो, ऊपर की छोटी सी भी टिप, ये देखिए मैंने एक दो टिप इसकी लगाई थी तो वो भी चल गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये रेड कलर के आते कलियाँ, इसमें फूल ऐसे खिलते नहीं है पर कलियाँ कलियाँ आती है, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। उसके बाद पर्सलिन और पोर्चुलका को अभी आप कटिंग से लगा लो। ये देखिए मेरे इसमें जो पर्सलिन है अभी तक फूल खिले ही है, तो उसको भी आप लगा सकते हो ताकि अगले फरवरी तक आपके गार्डन में पर्सलिन और पोर्चुलका फूल देने लगेंगे। उसके बाद आप मैक्सिकन पिटूनिया और ये देखिए यहाँ पे रखा है मैंने मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी परमानेंट पौधा होता है, आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और गुलदाउदी को भी आप सेव कर सकते हो फ्रेंड कटिंग करके।